सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी मुंबई में आज बारिश का दूसरा दिन है और अभी हम ये करीब शाम का टाइम है 4 बजे का और अभी हम निकले हैं चाय पीने के लिए। तो दोस्तों अभी आज हम जाएंगे स्टेशन के पास और उकाला चाय पियेंगे। उकाला चाय कैसा होता है दोस्तों, उसमें मसाला, हल्दी, दूध, चीनी, चिरौजी सब कुछ पड़ता है। और गाइज आपको बता दें, महाराष्ट्र की खासियत है कि आपको यहाँ पे करीब 100% दुकानों में से ना 80% दुकानों पर गुड़ का भी चाय मिलता है। लोग पूछते हैं कि किसका चाय चाहिए, गुड़ का या शक्कर का। तो गाइज अगर आप लोग गुड़ का भी चाय पीना पसंद करते हैं तो पी सकते हैं। यहाँ पर हर एक दुकानों पर गुड़ का चाय मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें गाँव का याद दिला देता है। तो देखिए अभी आज ये बारिश का दूसरा दिन है और यहाँ की जनता बारिश से परेशान नहीं होती है क्योंकि इनको आदत सी लग गई है। और हम लोग कैसे घूमने आते हैं, अगर बारिश का टाइम आ गया तो गाइज हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार घूमने आया और बारिश होने लगी तो घूम भी नहीं पाते हैं कहीं अच्छे से, उसके बाद काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम भी घर से निकले हैं तो छाता वाता लेके निकले हैं पूरी तैयारी के साथ कि कहीं भी बारिश है तो भाई बच जाएं, भीगे ना। अभी मैं कुछ देर पहले आया था लेकिन कुछ सामान लेने आया था और मैं एक बार फाइनली भीग चुका हूँ ऑलरेडी। एक बार पूरा भीग के गया, फिर चेंज वेंज करके आया, फिर अभी मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा शाम का टाइम है तो तभी से घर में पड़ा हुआ था क्योंकि दिन भर तो बारिश हो रही है, कहीं ब्लॉग वीडियो शूट करने जा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं हम थोड़ा सा कुछ खाने पीने, उकाला चाय पियेंगे और आपको यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे कि यार बारिश के मौसम में कितना भयानक यहाँ पर नज़ारा है। एकदम बादल है ना, एकदम काले बादल छाए हुए हैं। तो गाइज आप लोग इस ब्लॉग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, लेकिन हम सोच रहे थे कि ऑटो से ही चले जाए लेकिन फिर ज़्यादा बेहतर पड़ेगा कि हम पैदल ही चल लें। गाइज यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब नियम कानून जो है वो धीरे धीरे पहले की तरह हो रहे हैं, यानी आपको मास्क लगाना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हमें कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पे बसों में प्रवेश करके कहीं सफ़र करेंगे तो आप अगर मास्क नहीं पहने रहेंगे तो आपको उतार दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना बहुत जगह बढ़ रहा है। और अब तो हर बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पर RT-PCR भी यहाँ पे ज़रूरी कर दिया गया है। और 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन पे रोक लगा दी गई है क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है गाइस। तो इसलिए अगर आप लोग जहाँ भी हैं सतर्क रहिए और इन नियमों का पालन करिए, क्योंकि हम एक बार भुगत चुके हैं इसका परिणाम कि हाँ कैसा होता है लापरवाही का परिणाम। तो गाइज अगर सरकार, कोई भी सरकार है जो भी कुछ कर रही है तो हमारे भले के लिए कर रही है, तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो न तो मास्क लगाए हैं और मतलब जैसे लग रहा है उनको कि इसका कोई भी उनको असर ही नहीं पड़ रहा है। देखिए जब कोरोना का टाइम आया था तो वो बता के नहीं आया था और तभी भी लोग ऐसे लापरवाही बरत रहे थे यार कोरोना यहाँ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कोरोना से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने तो देखा ही कि कोरोना ने कितना कहर मचा दिया है, और खासतौर उन लोगों को पता होगा जो लोग कोरोना के कारण किसी अपने को खोए होंगे। तो गाइस जब से आप लोग सतर्क हो जाइए। और यहाँ तक तो मुंबई में अब धीरे धीरे ये भी कहा जा रहा है कि फालतू घूमने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। लोग मतलब घूमने वगैरह जहाँ पे जो प्लेसेज हैं घूमने वाला टूरिस्ट के लिए या किसी के लिए वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से है कि हम अपने आप में सरकार के नियमों का पालन करें और मास्क पहन के निकलें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का मामला जो है उसको भी हम लोग बनाए रखें। तो गाइस चलिए फिलहाल हम अब पहुँचने वाले हैं दुकान पे, तो चलिए आपको थोड़ा सा अपने रियल लाइफ का, जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ उसका भी कुछ हिस्सा आपको दिखाऊँ। और धीरे धीरे अब आपको इसी तरह की ब्लॉग वीडियो मिलेगी, कोई भी पॉपुलर जगह हो या मेरा रियल लाइफ स्टोरी हो, अब सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं, बस आ ही गया है।
एक उकाला चाय कर दो, उकाला हाँ पीना है। तो गाइस ये है गरम गरम केसरी उकाला चाय और सिर्फ 10 रुपीज। यहाँ पे मैंने आपको प्राइस भी दिखाया 10 रुपीज और एकदम गर्मा गर्म ही है खौलते हुए दूध के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं केसरी उकाला। तो अभी हम इसको पियेंगे फिर हम आगे चलेंगे और कुछ मतलब महाराष्ट्र का जो भी यहाँ पे फूड है जैसे महाराष्ट्र के लोग जो खाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हर राज्य में हर जगह का अलग अलग फेवरेट चीज़ें होती हैं। तो अभी कुछ और चीज़ खाएंगे हम, तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इसको हम पी लें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गाइस यहाँ पे हम उकाला चाय का आनंद तो ले लिए हैं, उकाला चाय पी लिए हैं, अभी हम बढ़ते हैं कुछ और खाएंगे क्योंकि अभी मन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उकाला चाय काफ़ी मीठा था यार। उसमें बादाम पड़े थे, चिरौजी पड़ा था और मतलब उसका टेस्ट यार वाव क्या बताऊँ। मतलब अगर आप लोग नॉर्मल चाय पीते हो तो इससे बढ़िया आपको केसरी उकाला चाय ही पीना चाहिए। कटिंग था इसका फूल आपको 20 रुपीज का आता है अभी, और चाय लोग बहुत कम ही पीते हैं तो 10 रुपीज में ये भी ठीक ही था, कोई ज़्यादा वो नहीं था, मसला नहीं था इसमें। तो अभी हम निकलते हैं थोड़ा सा स्टेशन के साइड और उधर मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि उधर भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं यार। शाम के टाइम में लोग स्टॉल लगाते हैं और तमाम चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए, जो अब मतलब हर जगह से अलग होती हैं, थोड़ा सा हटके होती हैं। मतलब जैसे आप लोग अगर हैदराबाद में जाओगे तो वहाँ पे मीठा भोजन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इधर का जैसे लोग बड़ा पाव ये तो सभी लोग जानते हैं। एक चीज़ उनके मन में बैठा हुआ है कि यार मुंबई में बड़ा पाव बहुत फेमस है, बड़ा पाव तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे फेमस है, किस किस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं यहाँ के लोग, उन सभी चीज़ों को हम आज टेस्ट करने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज अभी हम लोग चलते हैं सैंडविच खाने, और आपको बता दें कि मौसम अब धीरे धीरे करवट लेने लगा है, करवट बदलने लगा है, और रात में तो बारिश होएगी गाइज, क्योंकि अभी यहाँ पे झिमझिमी शुरू हो चुकी है और काफ़ी मौसम यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो चलिए पहले फटाफट हम लोग खा लेते हैं और आगे का भी सीन आपको कुछ दिखा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बारिश में हमें भीगना पड़े। लेकिन गाइज यहाँ पे तो हम अपना छाता वाता लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी कितना भी छाता रहता है तो भीग तो जाते ही हैं। तो चलिए फिलहाल जल्दी से हम लोग कुछ खाते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी लोग दुकानदार हो या ग्राहक हो, जितने भी लोग हैं, किसी के भी नाक के ऊपर यहाँ पे मास्क नहीं है, और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे हैं। और जितने ज़्यादा लोग मास्क लगाए भी हैं तो अधिक से अधिक लोगों का मास्क जो है ना वो नाक के नीचे ही है। तो आप यहाँ पे साफ तौर देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर लोगों का क्या तरीका है मास्क पहनने का, अब उनके दिमाग में क्या सोच चल रहा है, अब ये तो वही लोग जाने। गाइज अभी जहाँ पे हम सैंडविच खाने गए थे एक लोचा हो गया है, वहाँ पे पुलिस आ गई है, और वहाँ पे कई सारी दुकानें थी जहाँ पे दुकान वाले को जो दुकानदार था पुलिस उसको बुला बुला के डांट लगा रही थी, क्योंकि हर दुकानों पे इतनी भीड़ थी और जो दुकानदार था ना वो खुद मास्क नहीं लगाया, मास्क ना नाक के नीचे खींच के रखा हुआ था। तो अभी आपको पता है कि हालात क्या है कई सारे देशों में, तो यहाँ पे हर जगह मतलब मुंबई वासी वाले जितने हैं यार वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब पूरी पूरे देश का यही हाल है। लेकिन यार महाराष्ट्र सरकार जो है उद्धव ठाकरे उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जितने भी नियम कायदे कानून हैं उनका सही ढंग से पालन किया जाए, नहीं तो हम लोग फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने इशारा कर दिया है, लॉकडाउन लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ है जनता के लिए
यह आदेश मतलब दिया है, हिदायत दी है कि अगर आप लोग सख्ती नहीं बरतेंगे और इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कई सारे यूरोप के देशों में ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा खतरा मतलब मचा दिया है। तो देखिए, मैं जो सैंडविच था उसको पैक करा लिया हूँ यार, वहाँ पे मैं सोचा वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसे बनता है और खाऊँगा, मतलब वहाँ का पूरा सीन दिखाऊँगा। लेकिन यार इतना बड़ा लोचा हो गया कि पुलिस की पूरी दो गाड़ियाँ आ गई और पूरे मार्केट को मतलब चेक करने लगे कि मास्क अगर नहीं लगाए हैं, और दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो डांट भी मिल रही थी और उनको समझाया जा रहा था, वार्निंग भी दिया जा रहा था। तो अभी उधर के साइड में, स्टेशन के साइड में पुलिस अभी भी चेकिंग कर रही है, और अभी आप लोगों ने देखा, मैं वीडियो में दिखाया भी हूँ कि यार जितने भी लोग हैं ना, मास्क सभी लोगों के चेहरे पे है लेकिन बस यहाँ तक है। यार जब मास्क है तो पूरा लगाओ, ये लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। खतरा जब सर पे आ जाएगा ना, जब लोगों का घरों से निकलना बंद हो जाएगा, तब ये लोग कहेंगे कि यार सरकार की गलती है, सरकार लॉकडाउन लगा दिया और हम लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रही है, पीने के लिए। यार सरकार आपको रोक नहीं रही है, लेकिन आप उनके नियमों का पालन तो करो। सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को बचाना, उसमें अहम रोल आप लोगों का भी होता है। अगर आप लोग सरकार का साथ दोगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो आप लोग दुकानों पर सामान बेच रहे हो या लेने जा रहे हो, मास्क पहने ही नहीं हो, तो सरकार अब ज़बरदस्ती आके आपको मास्क तो नहीं पहनाएगी। सरकार जितना हो रहा है डांट लगा रही है, प्रशासन टाइट हो रहा है, उतना लोग कर रहे हैं। तो यार ये है यहाँ का हाल, यहीं का नहीं हर जगह का यही हाल है। और अगर यहाँ पे नियम कानून बनाए जा रहे हैं, कहीं फाइन मार दिया जाता है तो लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमें 200 रुपये फाइन दिया गया, कोई भी मास्क नहीं लगाया है। हमें मानता हूँ कई सारे सरकारी कर्मचारी भी नहीं लगाते हैं, लेकिन यार हमें अपनी फिक्र है, हमें अपना काम करना है, हमें अपने आप को बचाना है, तो हमें मास्क लगाना है और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। तो अभी पीछे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने बहुत डांटा दुकानदार को और वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि उसकी दुकान पे 4-5 दुकान लगातार थी और करीब वहाँ पे 50-60 लोग तो इकट्ठा रहे होंगे, और एकदम मतलब बाजू बाजू में सटे सटे और काफ़ी भीड़ थी, और दुकानदार खुद यहाँ पे मास्क उतार के मतलब अपना जो भी सैंडविच फुल्की वगैरह बेच रहा था, और उसमें जितने लोग खड़े थे उनका भी ये मास्क जो है नाक के नीचे था। तो ये सब देखते हुए उसने सभी दुकानदारों को बुलाया और समझाया, वार्निंग दिया। तो इसलिए मैं वहाँ का वीडियो आपको शूट करके नहीं दिखा पाया, लेकिन सैंडविच मैं फिलहाल पैक करा लिया हूँ, अब घर पे चल के खाऊंगा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया हूँ, अब शाम का टाइम हो गया और मौसम देखिए कितना खतरनाक अब होता जा रहा है, मतलब अब बारिश का मौसम बन गया है, रात में तो बारिश आनी पक्की है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।